तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ये बनकर तैयार हो चुका है जटान नान। तो आप लोग इसी तरह जटान नान घर पर बना लीजिए तवा के ऊपर। तवा के ऊपर आप लोग आराम से बना सकते हो। ऑनली आप लोगों को बाहर से जदार पाउडर खरीदना है, चीज़ खरीदना है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ जटान नान कैसा बनाना है। सबसे पहले देख सकते हो मैंने चीज़ ग्रेट करके रख लिया है, कम से कम 100 ग्राम तक। साथ साथ मैंने एक पैरा को दबा के रख लिया है और चीज़ में हमने थोड़ा सा मैदा डाल दिया ताकि चीज़ चिपक न जाए। पैरा को हमने पहले से दबा के रख लिया। अब पैरा के अंदर जो 100 ग्राम चीज़ है हम स्टफिंग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी इसी तरह चीज़ को ग्रेट कर लीजिए और एक लगभग 100 ग्राम का पैरा बना लीजिए और फिर उसको थोड़ा बेलने के बाद उसके अंदर चीज़ को स्टफिंग कर दीजिए, ठीक है। अब इसको चारों ओर से उठा लीजिए हाथ पे और फिर चारों तरफ से पकड़ के इसको फोल्ड कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग आलू पराठा बाकी पराठा में स्टफिंग करते हैं, सेम उसी तरह चीज़ को भी स्टफिंग कर लेना है। और फिर स्टफिंग क्या हुआ इसका नीचे की ओर छोड़ रख दीजिए। आप जतन लाल के पैरा को थोड़ा सा दबा लीजिए, बड़ा कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाइए। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरह नया नया रेसिपी आप लोग देखते रहिए। लाइव किचन में जो भी हम लोगों के पास किचन में खाना बनता है, हम एक एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी घर पर बना लीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी रहता है। तो जैसे कि जटान नान की जिनको मज़ा लेना है, इसी तरह आप लोग जटान नान को दबा लीजिए हाथों द्वारा, चाहे तो आप बेलना से भी बेल सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इसको बड़ा लंबा अच्छी तरह बड़ा कर डाला। अब ये जो जटार पाउडर है जो रेडीमेड आपको बाहर अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है, आप मार्केट से खरीद सकते हो। और इस जटार पाउडर को इस तरफ ऊपर से लगा दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो जटार पाउडर को मैंने अच्छी तरह लगाने के बाद इसको हाथों द्वारा दबा कर रहा हूँ और इसको पेस्ट करके मतलब चिपका रहा हूँ। तो आप लोग इसमें आराम से चिपक जाएगा क्योंकि इसमें पहले से तेल लगा हुआ है। तो हमने पैरा के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाया, तेल के ऊपर से हमने जटार पाउडर डाला तो आराम से चिपक जाएगा। तो आप लोग इसी तरह डाल दीजिए और फिर हाथों से दबाइए, या तो फिर इसके ऊपर से आप बेलना भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जैसे कि मैं एक साइड से पकड़ के इसको हाथों पर उठा लिया, आप थोड़ा सा नान की जो सेविंग है थोड़ा सा नान के तरह सेव कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ उसको, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो किस तरह लंबा हो चुका है, क्योंकि मैदे का पैरा थोड़ा सा हाथ पे पलटी मारो तो बड़ा हो जाता है। अब इसको इस तरह लेना है और फिर हम इसको तंदूर में डाल देंगे। तो जो जटार पाउडर है, पाउडर के हिस्सा यानी कि बाहर रहेगा और नीचे का हिस्सा तंदूर में चिपकेगा। तो आप लोग भी इसी तरह बना लीजिए और घर पर तवा के ऊपर इस तरह आप लोग छोड़ दीजिए और अच्छी तरह थोड़ा सा रॉयल मार दीजिए और इसको रोस्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आप लोग बना सकते हो, घर पर जटान नान का मज़ा ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, जटान नान आप लोग खा सकते हो, हर किसी को अच्छा लगेगा। जटान नान आप हमस के साथ खा सकते हो, नॉर्मली खा सकते हो, क्योंकि इसमें चीज़ और जटार पाउडर का बहुत बढ़िया सा टेस्ट रहता है। तो लाजवाब टेस्ट है इसका। तो आप इसको सिर्फ जटान नान बना के छोटा छोटा पीस करके भी खा सकते हो। तो ये जटान नान आप सबको इस्तेमाल कीजिएगा, सब खा सकते हो, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा। बच्चों को तो फेवरेट रहेगा क्योंकि इसमें चीज़ रहेगा, आप चीज़ आपके हिसाब से डाल सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि देखते हैं तो जटान नान आहिस्ता आहिस्ता फूक चुका है और अंदर का जो चीज़ है वो मेल हो चुका है, इसके लिए जटान नान फूक रहा है। तो बनकर तैयार हो चुका है जटान नान। आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया सा कलर आया हुआ है, बहुत बेहतरीन कलर आया है, क्योंकि जटार पाउडर का एक हरा हरा कलर छोड़ा हुआ है इसमें। तो आप इसको इस तरह इसके ऊपर से बटर लगा लीजिएगा आप लोग। चाहे तो आप लोग इसमें ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे घी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने इसमें बटर इस्तेमाल किया। बटर घी कोई भी चीज़ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों।
तो हमने इसमें घी इस्तेमाल किया, हमने इसमें बटर इस्तेमाल किया। आप लोग चाहे घी इस्तेमाल कीजिए, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसी तरह घर पर बना लीजिए और सब मिलकर खाइए, बहुत बेहतरीन रेसिपी है जैतरन नान। आप लोगों को खाली मार्केट से जैतरन पाउडर खरीदना है, बाकी आप लोगों के पास तो मिल जाएगा चीज़ और मैदे का पैरा, मैदा नरवाले लगा सकते हो आप लोग, और फिर तवा के ऊपर इस तरह शॉपिंग कर बना सकते हैं। ये बनकर तैयार हो चुका है, हम इसको डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा चीज़ इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बने।